सत श्री अकाल, जय हिंद, बंदे मातरम। आप देख रहे हैं इंडियन राइडर 8311 और मैं हूं अरुण। आज सुबह के 6 बज रहे हैं, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और जैसे तैसे मैं निकल चुका हूं। मेरा रूम भी अच्छा से नहीं उठा, आप देख सकते हैं मैं फ्रंट कैमरा से ही कर रहा हूं। और आज हम लोग जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ, ये हम लोग रास्ता में बताएंगे और आपको जगह दिखा के बताएंगे, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं कार पे, बाइक में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मेरा नेक्स्ट दिसंबर में जो राइड हुआ था 7 स्टेट नॉर्थ ईस्ट, उसमें मैं गिर के थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया था हाथ में, तो इसलिए हम लोग बाइक लेके नहीं जा रहे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं कार पे, देखते हैं अरुणाचल प्रदेश कितना ब्यूटीफुल है। आप लोग भी देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग के लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करने से हम लोग को मोटिवेशन पड़ता है कि हम लोग और यूट्यूब में बनाएं अपना वीडियो और आप लोगों को जगह दिखाएं। सो थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए। हम लोग पहुंच चुके हैं हबजान। हम लोग 300 से निकले हैं, 300 से हबजान। अभी टाइम हो रहा है 6:36, ठीक 6:36। हम लोग 6:14 में निकले थे तिनसुकिया से, अभी यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर होगा। चलिए देखते हैं, ये रहा अरुणाचल का रोड। चलिए चलते हैं चांद की ओर, मंदिर थोड़ा सा चाय पानी और ये हम लोग का जर्नी कंटिन्यू होते हुए हम लोग अभी जर्नी टू मंदिया एंड अनिनी। अभी हम लोग बोरहाबजान पहुंच चुके हैं, कैप्टन अरुण देवनाथ। और हम देवराज शर्मा और ये अरुण देवनाथ भैया, हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है, लेकिन प्लास्टर लगा है इसलिए बाइक से नहीं जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, लेकिन ट्रैवलिंग का जज्बात नहीं छूटा है, नहीं छूटा है ना, छूटेगा भैया। धीरे धीरे चलते रहेंगे। अभी बीच में एक 2 मिनट का चाय और केक का ब्रेक भी लिया था, दिखाया भी था आपको। साथ बढ़िया से अभी नेक्स्ट हम लोग तालाब नाम का एक जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है, वहाँ पहुँच के आपको रिज्यूम करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड राइड सेफ। अभी हम लोग भूपेन हजरिका सेतु में जा रहे हैं, प्रवेश कर चुके हैं और हमारी यात्रा है मायोदिया होके अनिनी तक। इसकी दूरी 390 किलोमीटर कैप्टन अरुण देवनाथ ने 5 घंटा में पूरी करने की प्रबंध की है। काफ़ी अच्छा मौसम में बहुत बढ़िया शानदार गाड़ी चल रहा है और देवराज भाई ने भी अपना शूटिंग काफ़ी जारी रखे हैं। इस सिलसिले में आप लोगों को हम लोग बताने जा रहे हैं कि भूपेन हजरिका सेतु बहुत बेहतरीन लग रहा है अभी सुबह की इस उदित सूर्य की हवा में, बहुत सुंदर है। हमारा सामने बस और गाड़ियों की भीड़ आप देख रहे हैं और आगे भी हम लोग आप लोगों को इसका आंखों देखा हाल बताते रहेंगे। जब अरुणाचल पहुंचेंगे तो उसका बेहतरीन दृश्य राज्य आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा। तब तक लेके आज्ञा दीजिए,
अभी हम पृथ्वी के काबिली टेलीविजन से त्रिदीप शर्मा की ओर से नमस्कार।